हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, ये इवनिंग का टाइम है और आज मैं इवनिंग में कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे से एक मिस्टेक हो गई, गलती हो गई कि मॉर्निंग में मैंने ये थोड़े से हाथ से मैंने कपड़े वॉश किए थे और मैंने टैप पे ही रख दिए थे ताकि सारा पानी इनका निकल जाए, और सारा पानी निकल जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इन्हें सुखाऊंगी, क्योंकि मशीन में मैं नहीं सुखाती हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि ऐसे ही सूख जाते हैं। तो गाइस, फिर मैं भूल गई इन्हें सुखाना, क्योंकि बाथरूम में फिर दोबारा मेरा जाना हुआ नहीं। और फिर जब मैं शाम के टाइम पे गई ना, तब मैंने देखा, अरे मैं तो अपने कपड़े सुखाना ही भूल गई। और इधर मैं कपड़े सुखा रही थी और उधर मैंने अपने बेटे को एक बहुत ही ज़रूरी काम दिया था। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या ज़रूरी काम दिया था मैंने। शाश्वत हो गया तो देखिए गाइस, आज मैंने शाश्वत को क्या काम दिया है। बहुत बड़ा टारगेट है ये शाश्वत के पास। ये मिर्ची, आज मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई कि मिर्ची और फली मैंने दोनों एक साथ धो के बास्केट में रख दी और मिक्स हो गई सारी ये। तो मैंने अपने बेटे को दे दिया है। कितनी हो गई? अरे ज्यादा कर ली, फिर तो होने वाली है। ये बेटा फ्रिज में रख देना, फिर है फ्रिज में रख देना, फ्रिज में रख देना बास्केट को, ठीक है? मुझे नहीं लगा रही हो। तो गाइज, आज मैंने ना जल्दी जल्दी में मैंने मिर्च और फली सारी एक साथ ही मैंने बाल्टी में धो दी थी, और बस मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि उसको बाद में ना अलग अलग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये काम मैंने आज अपने बेटे को दे दिया और बड़े खुश होकर कर रहा था वो, क्योंकि छुट्टियां भी पड़ रही हैं तो थोड़ा बिजी रहने का मौका मिल गया उसे। तो गाइज, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। तो मैंगो हमेशा रखे रहते हैं मेरे फ्रिज में गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि मैंगो शेक बहुत ही ज़्यादा पसंद है बेटे को, मुझे सभी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास ही बनाया था और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बन गया था क्योंकि हस्बैंड तो थे नहीं घर पे। तो गाइस, हैंड ब्लेंडर से मैं बनाती हूँ मैंगो शेक, तो फटाफट से बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बोलू लाइट जला दो बेटा, सही है चीनी? ज़्यादा मीठा नहीं बनाया ना मैंने, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ज़्यादा मीठा, मैंगो भी ज़्यादा ही मीठे हैं इसलिए और ज़्यादा मीठा हो जाता। तो फ्रेंड्स, ये है अगले दिन का व्लॉग, और ये दोपहर का टाइम है और मॉर्निंग का मैं शूटिंग कर पाई क्योंकि मॉर्निंग में मैंने पोहा बनाया था। अब जब से बेटे की छुट्टियाँ पड़ी हैं ना, तब से उसी के कहने पर ही मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मोस्टली उसी के कहने पे बनाती हूँ मैं। तो गाइस, यहाँ पर जो है मैं दाल चढ़ा रही हूँ बनाने के लिए, और गर्मियों के टाइम पे ना, जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो मैं मोस्टली मैं दोपहर में चावल ही बनाती हूँ, कि कभी पुलाव बना लिए या फिर कभी खिचड़ी बना ली या फिर कभी दाल चावल बना लिए, क्योंकि पसंद भी सभी करते हैं हमारे यहाँ, और मुझे तो कुछ खास कर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है चावल। तो वहाँ पर मैं दूध भी मेरा गर्म हो गया था, तो मैंने डाइनिंग टेबल पे फ़ैन चला के ठंडा होने के लिए रख दिया, और जब ठंडा हो जाएगा तो मैं फ्रिज में रख दूँगी इसे, क्योंकि डर भी लगता है गर्मियों में थोड़ा सा भी बाहर रह जाए ना। एक दो बार मेरे साथ हो चुका है कि ख़राब भी हो गया है थोड़ा सा बाहर रहने पर। तो गाइस, ये साबुत धनिया है और इसे मैं रखने जा रही हूँ बालकनी में धूप लगाने के लिए, क्योंकि इसे आज मुझे पीसना है। 2-3 दिन से रखा हुआ था ये, और बस थोड़ी सी ज़्यादा धूप तो क्या नहीं आती है हमारी बालकनी में, और थोड़ी बहुत धूप भी लग जाएगी ना ऐसी गर्मी में, तभी अच्छी तरीके से पीस जाएगा। तो यहाँ पर जो है दाल में सीटी आ रही थी, और इधर मैं लहसुन प्याज टमाटर की
तैयारी कर रही थी काटने की। तो गाइज वैसे तो मैं दोपहर के खाने की तैयारी ना मॉर्निंग में ही सारी कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना किचन में आने का दोपहर में मन ही नहीं करता है। बस आज हो ही गया लेट, क्योंकि कुछ मैंने घर का एक्स्ट्रा काम छेड़ दिया था तो उसमें टाइम नहीं लगा और मेरे ध्यान से निकल गया कि मुझे आज दाल भी बनानी है। तो नहीं तो मैं मॉर्निंग में ही दाल वगैरह बना देती हूँ। तो यहाँ पर जो है टमाटर लेने आई हूँ मैं, टमाटर लेना मैं भूल गई थी। और बस ये है कि दाल और चावल में ना टाइम लगता नहीं है बिल्कुल भी, और ज़्यादा देर तक किचन में रहना भी नहीं पड़ता है। तो गाइस ये ककड़ी वगैरह मैंने, खीरा वगैरह मैंने काट निकाल दिया था फ्रिज में से और अपने बेटे को दे दिया था कि सलाद काट दो, क्योंकि अब ले भी आया वो सलाद काट के फ़ैन के नीचे, कह रहा कि मम्मी मैं वहीं पर काटूंगा। तो वहाँ पर उसने सलाद वगैरह सब काट दिए। और इस तरीके से मैं बिज़ी रखती हूँ उसे गर्मियों की छुट्टियों में, कि सलाद कटवा लेती हूँ कभी या फिर कभी सब्जी वगैरह कटवा लेती हूँ, तो वो खुश रहता है, एकदम कर देता है, मना नहीं करता। और देखिए गाइज यहाँ पर दोबारा आ गया है बेटा मेरा, तो कह रहा मम्मी कुछ और भी काटना है तो बता दो। तो फिर वो ककड़ी नमक लगा के खा रहा था। और बस ये है कि इसी तरीके से मैं थोड़ा इसे बिज़ी रखती हूँ ना तो खुश भी रहता है और कब टाइम निकल जाता पता भी नहीं चलता। तो गाइज यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज लहसुन हरी मिर्च वगैरह सब काट दी थी। और मैं थोड़ा ना कितनी भी बिज़ी हूँ मैं, लेकिन दाल मैं इसी तरीके से फ्राई करती हूँ, और हींग जीरे या फिर सिंपल जीरे में मैं कभी भी फ्राई नहीं करती, क्योंकि लगती इसी तरीके से अच्छी है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी भी इसमें डाली है मैंने, और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है धनिया पाउडर, इस तरीके से सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। और जब मसाले तेल छोड़ देंगे तो मैं इसमें डाल दूँगी दाल। तो फ्राई करने के बाद भी थोड़ा सा मैं इसे उबालती हूँ, उबालने के बाद ना थोड़ा सा इसमें सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाते हैं दाल में, तो बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। और उधर जो है चावल बन रहे थे दूसरी गैस पे, और इधर मैंने दाल चढ़ा दी थी, उधर मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया था, तो दोनों काम एक साथ ही हो रहे थे। और बस ये कि चावल तो फटाफट बन जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है अगर पहले से आधे घंटे पहले ही भिगो के रख दो तो। तो यहाँ पर मैं जो है जो धनिया मैंने दोपहर में सुखाया था बालकनी में और उसे पीसने का नंबर आ गया है, और ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर पीस रही हूँ धनिया। और धनिया जब मैं पीसने के लिए आई ना, जो ये बड़ा वाला जो मिक्सी का जार है ना, जब मैंने चला के देखा तो बिल्कुल भी मतलब चल नहीं रहा था, पता नहीं क्या बिल्कुल ही जाम हो गया था ये। तो छोटे वाले जार में, चटनी वाले जार में मैंने धनिया पीसा, लेकिन बहुत जल्दी पिस गया था। तो गाइस इस तरीके से पूरा दिन कब निकल जाता है, बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता है एक हाउसवाइफ के लिए। और इस तरीके से धनिया और मिर्च मैं घर पे ही पीसती हूँ, मुझे जो है पसंद नहीं आती है जो पीसी हुई मार्केट की होती हैं, तो क्योंकि उसमें अलग ही टेस्ट आता है। अगर मार्केट साबुत ला के घर पे पीसेंगे ना तो उसमें अलग ही टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं ये चीज़ें घर पे ही पीस के रखती हूँ हमेशा। तो फ्रेंड्स आज मैं ना डिनर में कच्चे आम की मीठी सब्जी बनाऊंगी, और बिल्कुल फ्रेश आम की, कि हमारे यहाँ ना पेड़ लग रहा है बिल्कुल बालकनी में डंडियाँ आती हैं उसकी फ्रेश पेड़ की, और उसमें से ना हमने तीन चार आम तोड़े थे, और फ्रेश आम की सब्जी बना के खाओ ना तो अलग ही टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है अपने जब हाथों से आम तोड़ते हैं तो। और गाइस इस सब्जी की रेसिपी मैं आपसे किसी व्लॉग में शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, टेक केयर, बाय बाय।